बता दूं संसद की सुरक्षा में सेन लगाने वाले चारों आरोपियों को मेडिकल के लिए ले जाया गया है। चारों आरोपियों को पुलिस राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर पहुंची है। चारों की मेडिकल जांच के बाद उन्हें दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये चार वही लोग हैं जिसके बारे में आप जी बता रहे थे कि इसको आप अलग अलग करके देखिए। दो लोग अंदर थे, आपने तस्वीर में देखा होगा कि वो कैसे उछल कूद मचा रहे थे संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, और दो लोग बाहर थे जिनको पता था कि अंदर वो जैसे ही उछल कूद मचाना शुरू करेंगे और अंदर से अफरा तफरी की और खबर आएगी कि वहां पर धुआं चल रहा है तो हमको भी बाहर वही करना है। तो ये पूरी प्लानिंग थी। अलग अलग राज्यों के अलग अलग युवक पहुंचते हैं दिल्ली, 1-3 महीने तक एक संसद के सांसद के दफ्तर के और घर के चक्कर काटता रहता है कि हमको पास दिलवा दीजिए, क्योंकि उसको पता है कि उसके यहाँ का सांसद है वो उसको पास दिलवा सकता है। उसके बाद वो अंदर जाता है तो सुरक्षा को और सुरक्षा घेरे को भेदने की कोशिश न सिर्फ करता है बल्कि एक प्लास्टिक नुमा चीज में धुएं का वो इक्विपमेंट लेकर चला जाता है जिससे वो अंदर अपने मंशे को अंजाम देने में